एवरीवन, कैरेट विदम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है चुनिए अपने पार्टनर की राशि और जानिए कि क्या आने वाले टाइम में आपके तरफ हो सकता है, क्या अभी वो सोच रहे हैं। शॉर्ट रीडिंग है, इसमें मैं सभी राशियों को ऐड कर रही हूँ। आप अपनी राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, अपने पार्टनर की राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं मैसेजेस को। दूसरी बात, अगर आपको अपने पार्टनर का मून साइन पता है, उनकी कुंडली में जो मून साइन है अगर वो आपको पता है तो पहले उसी से देखिए। अगर नहीं पता है तो डेट ऑफ बर्थ से जो राशि बनती है सन साइन से वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आपकी भी अगर आपको आपकी मून साइन पता है उसके हिसाब से ही देखिए, लेकिन अगर आपको अपनी मून साइन नहीं पता है, आपकी कुंडली नहीं है बनी है, तो फिर आप सन साइन से देख सकते हैं। सन साइन से कैसे देखते हैं, आप गूगल पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के जो भी आपकी राशि है उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए, ठीक है। सो मैं तीन तीन कार्ड्स लूँगी हर राशि के लिए, कार्ड्स मैं आपके सामने ही निकालूँगी। करंट एनर्जी जिसके में जो कार्ड आएगा, देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ मैं एक एक राशि करती जाऊंगी और फिर उसे हटाती जाऊंगी। सबसे पहले इसे मैं आप साइड में रख देती हूँ, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन में भी सबसे पहले हम करेंगे एक्वेरियस, ओके। जिनकी भी राशि कुंभ है, तीन कार्ड्स, वन टू थ्री। बॉटम से है फाइव ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है आपके पार्टनर हों, लिब्रा हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपकी या आपके पार्टनर की राशि एक्वेरियस है तो आप दोनों में एज गैप हो सकता है, कोई यंगर हो सकता है, कोई एल्डर हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा सैड हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, वहाँ से डिवोर्स लेना चाहते हैं, उसके बाद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इस टाइम, आपसे हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, कुछ भी खुल के नहीं बता रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको मिस करते हैं। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है हमारे पास, आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप में से कुछ लोगों का एज गैप हो सकता है, कोई यंगर हो सकता है, कोई एल्डर हो सकता है। इस समय बहुत ही ज़्यादा सैड हैं आपके पार्टनर, आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए कुछ ना कर पाने का उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। जिनके पार्टनर सिंगल हैं उनके लाइफ में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, स्पेशली फादर या मदर, स्पेशली फादर, यहाँ पे इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है इन्हें, इमोशनली इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है मदर के द्वारा या फादर के द्वारा। हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, या कल्चर अलग हो, या स्टेटस डिफरेंस हो, या आपका कोई पास्ट हो जिस वजह से ये इनके फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इस तरह की करंट एनर्जी आई है आपकी, ओके, एक्वेरियस, जिनकी भी राशि एक्वेरियस है। सो ये चल रहा है एट प्रेजेंट। देखते हैं एक्वेरियस के लिए मेजर अरकाना से दो कार्ड्स लेंगे, आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर क्या मेजर हो सकता है। वन टू, स्ट्रेंथ एंड टावर। अपनी पावर में आके
एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं एक्वेरियस राशि वाले, किसी तरह का ब्रेक थ्रू लाने वाले हैं अपने लाइफ में, कोई सिचुएशन एंड करने वाले हैं। डेफिनेटली करंट एनर्जी में जस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पे टावर मोमेंट आ सकता है आपको जस्टिस देने के लिए। ये किस कुछ ख़त्म कर सकते हैं, किसी के साथ एंडिंग कर सकते हैं, इस समय अपनी पावर में है। ये है नियर फ्यूचर एक्वेरियस। देखते हैं नेक्स्ट एंजल गाइडेंस एक्वेरियस के लिए। इफ़ यू बिलीव मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, परफेक्ट टाइमिंग, लक आपके साथ है, परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे आपका रियूनियन निश्चित है। मेडिटेशन करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर ध्यान देते रहिए, जो भी होगा आपके लाइफ में वो बेस्ट होगा। सो ये थी एक्वेरियस की रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एक्वेरियस, बाय बाय। अब हमारी सेकेंड राशि है लिब्रा। ओके, देखते हैं लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस आता है, क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स लिब्रा तुला राशि। ओके, 1, 2, 3। बॉटम से हमारे पास है सक्सेस, एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 3 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा हो सकता है आपके पार्टनर खुद एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो, एरीज हो, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। यस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, या अगर आप अपने लिए भी देख रहे हैं तो आप रोल्स रिवर्स कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है डेफिनेटली आपके लाइफ में, थर्ड पार्टी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स शादी कराना चाहते हैं, करंट एनर्जी में मैरिज का कार्ड आया है। ये भी हो सकता है कि कास्ट इशू हो, रिलीजन अलग हो, कल्चर अलग हो, जिसके वजह से शादी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे हर्ट है, मूव ऑन करा हुआ है, टेंशन बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में। इस समय आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है मुझे। साथ ही साथ कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन हो, जिसके वजह से आप वेट कर रहे हैं, आप जगल कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। स्टिल आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की शादी आपसे हो, और यहाँ पे आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले इस रिलेशनशिप में। वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं और आप उनके साथ सक्सेस चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते, डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। हो सकता है आपको हर्ट किया हो, पास्ट में आप को चीट किया हो या धोखा दिया हो, आपको छोड़ के चले गए हो, आपने चेस किया लेकिन वो चले गए थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन अभी उन्हें एहसास हो रहा है कि वो आपको नहीं खो सकते और वो सक्सेस चाहते हैं आपकी तरफ। सो ये है आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। अब हम देखते हैं मेजर अरकाना से क्या हो सकता है लिब्रा। दो कार्ड्स लेंगे हम। द स्टार विद द हैंग्ड मैन, सरेंडर किया हुआ है। आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से भगवान के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, स्टक हैं अभी तक, जगल कर रहे हैं। एक डिसीजन इन्हें लेना है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, अपनी पावर में आके एक डिसीजन लेना चाहते हैं, और जो भी डिसीजन लेंगे उससे आपकी विश पूरी होगी, आपको सक्सेस मिलेगी। आने वाले नियर फ्यूचर में आपकी विश पूरी हो सकती है लिब्रा, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वेट, आपको वेट करना है, कुछ टाइम वेट करिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए।
नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, आपके लिए ठीक नहीं है। आपको एंजल्स ने भी कहा है पॉजिटिव रहने के लिए, ताकि आपके पार्टनर जो भी जगह पे स्टक हैं, थर्ड पार्टी में स्टक हैं, वहाँ से पॉजिटिवली आपकी तरफ बढ़ें। सो ये थी लिब्रा के लिए करंट सिचुएशन की रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको गाइडेंस मिली हो, मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब हम बढ़ते हैं जेमिनी। जिनकी भी राशि जेमिनी है, मिथुन, देखते हैं क्या चल रहा है। चलिए करंट एनर्जी जेमिनी, तीन कार्ड्स लूंगी मैं, 1 2 3। ओके, टू ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, द मैजिशियन, हैंग्डमैन। आपके पार्टनर जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं सन साइन मून साइन में। यहाँ पे मैं बता दूँ करंट एनर्जी जेमिनी, यहाँ पे आपके पार्टनर कंप्लीशन चाहते हैं, स्टक हैं किसी सिचुएशन में, डेफिनेटली आगे बात नहीं बढ़ रही है, लेकिन आप दोनों का लव म्यूचुअल है, बहुत पावरफुल कनेक्शन है आप लोगों का, सोल जर्नी हो सकती है। आपके पार्टनर आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उनका मन नहीं लग रहा है आपसे, अगर दूर हैं, अगर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है तो बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपसे बातचीत नहीं हो रही है, हो सकता है आपसे झगड़ा किया हो, लड़ाई की हो, लेकिन अब इन्हें पछतावा हो रहा है। अगर किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है तो भी इन्हें पछतावा हो रहा है, लौट कर आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या आता है हमारे जेमिनी के लिए। दो कार्ड्स लूंगी मैं, डेथ विद द वर्ड। डेफिनेटली जिस भी सिचुएशन में आपके पार्टनर स्टक हैं, एक टफ साइकिल देखी है आप दोनों ने, बहुत टफ साइकिल आपने झेली है अपने लाइफ में, मैनिफेस्ट किया है आपने इन्हें, मेडिटेट किया है, टेलीपैथी यूज़ कर रहे हैं, ये टफ साइकिल एंड होने वाली है। जिस भी जगह पे आपके पार्टनर स्टक थे, हो सकता है किसी कार्मिक सिचुएशन में रहे हों, आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हों, या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, या खुद किसी तरह के एडिक्शन में हो, गुस्सा करना, शक करना, तो इस तरह की अगर आपके पार्टनर की एनर्जी में है तो यहाँ पे ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। डेफिनेटली इनका एक भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको जब दिखेगा तो इनके अंदर आपको काफ़ी चेंजेस दिखेंगे। जब भी आपकी इनसे बात होगी, आपको फील होगा कि अब पहले के जैसे नहीं हैं, काफ़ी हद तक इन्होंने अपने आप को बदल लिया है। थर्ड पार्टी अगर कोई सिचुएशन है इनके लाइफ में जिसकी वजह से आपका रीयूनियन अटका हुआ है, तो यहाँ पे ये एंडिंग कर सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ, अपना कार्मिक कनेक्शन एंड कर सकते हैं ताकि आपके साथ रीयूनियन हो। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं जेमिनी के लिए। एक कार्ड आ गया हमारे पास, अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कम्युनिकेशन होने वाला है, बातचीत होने वाली है आपकी, आपके पार्टनर से कॉल मैसेज आ सकता है। सो ये थी जेमिनी की रीडिंग। अगर आपके सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच जेमिनी, बाय बाय। अब हम बढ़ते हैं अगली राशि एरीज। देखते हैं एरीज में क्या चल रहा है। एरीज, फायर साइन, मेष राशि, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेष राशि, तीन कार्ड्स लूंगी मैं, 1 2 3। फोर कार्ड्स ले लिए मैंने, मेरा इंट्यूशन कहा कि मुझे एक कार्ड ऊपर से भी लेना है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास,
नाइन ऑफ कप्स विद द चैरियट विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं आपको आपके पार्टनर्स। हो सकता है आपके पार्टनर कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस हो या कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो। यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकते हैं, अथॉरिटी फिगर हैं, किसी तरह की अथॉरिटी है इनके हाथ में। एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी या कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस। एरीज, जिनकी भी राशि एरीज है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का म्यूचुअल लव है। जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना ही वो भी आपसे प्यार करते हैं। सोल कनेक्शन है आप दोनों का। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक पैशनेट रोमांटिक न्यू बिगनिंग। स्लीपलेस नाइट है, हो सकता है आपसे किसी रीज़न से बातचीत ना हो पा रही हो या वर्कहोलिक हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, किसी तरह की अथॉरिटी हो या टारगेट हो, प्रेशर हो। साथ ही साथ यहाँ पे किसी बात को लेकर आपसे भी नाराज़गी हुई है, आपसे भी झगड़ा हुआ है या फाइट हुई है। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से, ज़्यादातर पेरेंट्स का इशू लग रहा है मुझे, या तो पेरेंट्स का इशू है या तो कोई कार्मिक इशू है, या तो ये खुद किसी तरह के एडिक्शन में थे, एटीट्यूड में इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, बात नहीं हो रही है जिसकी वजह से पछता रहे हैं। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जिस भी वजह से आपकी फ़ाइट हुई है, यहाँ पे आपकी तरफ आने वाले हैं। कोई बड़ा डिसीजन आपकी तरफ होने वाला है जिससे आपकी विश पूरी होगी, कंप्लीशन आएगा आपके लाइफ में। सो ये है करंट एनर्जी। देखते हैं मेजर अरकाना से दो कार्ड्स लेंगे हम एरीज के लिए, नियर फ्यूचर में क्या मेजर हो सकता है। 1, 2 एरीज एनर्जी आ गई है, द एम्परर एरीज। आपकी खुद की एनर्जी है ये। आप अपनी पावर में रहने वाले हैं, अपनी पावर में रह के आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, एक टफ साइकिल एंड कर सकते हैं। यहाँ पे बॉटम से टावर का कार्ड भी आया है। अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन में आने के लिए आप एक्शन ओरिएंटेड हैं। कोई बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हैं बहुत जल्द, जिससे कि आपका रीयूनियन सक्सेसफुल हो जाए, आपके बीच में जो दूरियाँ हैं, जो डिस्टेंस है, वो कम हो जाए। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है एरीज के लिए नियर फ्यूचर के लिए। देखते हैं, पहला कार्ड आया है एंजल गाइडेंस की तरफ से, रिकंसीडर। एक और कार्ड आ रहा है, वेट, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा गाइडेंस आया है, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग गेम है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत काफ़ी हद तक ख़राब हुआ है। अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, या अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपको उनके ऊपर शक होता है किसी चीज़ को लेकर, तो आपको पहले पूरी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में कलेक्ट करनी है। आधी अधूरी बात पर कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। साथ ही साथ अभी थोड़ा इंतज़ार करना है, क्योंकि आपके पार्टनर किसी तरह का कार्मिक कनेक्शन अगर है उनके लाइफ में, तो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। वहाँ से निकलते ही आपके साथ रीयूनियन होगा, किसी तरह का ब्रेक थ्रू आपके पार्टनर के लाइफ में आने वाला है, और उस ब्रेक थ्रू के बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे। सो ये ब्रेक थ्रू के लिए आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है, ताकि आपके पार्टनर को हिम्मत मिले, हील हो आपके पार्टनर, और जल्द से जल्द आपका रीयूनियन हो। सो ये है एरीज के लिए करंट सिचुएशन पे रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलिए अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट राशि हमारी है लियो। जिनकी भी राशि सिंह राशि है लियो, देखते हैं करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लियो,
क्या चल रहा है। लियो बॉटम ऑफ द डेक है, द एम्परर डेविल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो सकते हैं, साथ ही साथ गुस्सा करने वाले हो सकते हैं, किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, या पेरेंट्स की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस बहुत स्ट्रांग है, फिर एरीज बहुत स्ट्रांग है, फिर हमारे पास अगेन कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस कैंसर, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो या पार्टनर्स के पेरेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन फैक्टर हो सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरफ मानते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पास्ट में अगर इन्होंने कोई गलती की है तो यहाँ पे वो आपसे अपोलोजाइज कर सकते हैं या आपको बता सकते हैं कि अब आगे से वो ऐसे बिहेवियर नहीं करेंगे। हो सकता है शक करते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, एडिक्शन हो किसी चीज़ का। साथ ही साथ यहाँ पे अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था तो या तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया है, यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है जिससे कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। फाइनेंशियली काफ़ी रिच लग रहे हैं, आपके पार्टनर काफ़ी अबंडेंट हैं, पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और साथ ही साथ आपको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या आता है हमारे लियो राशि के लिए। दो कार्ड्स लूँगी मैं फॉर लियो। वन टू। लियो के लिए लियो एनर्जी आ गई है स्ट्रेंथ, द स्टार, जस्टिस। लियो जिनकी भी राशि लियो है, अगर आपके पार्टनर किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पे डिवोर्स अप्लाई हो सकता है, अपनी पावर में आके कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जस्टिस आपको मिलेगा। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट है या कास्ट डिफरेंस है या रिलीजन फैक्टर है तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज के चांसेस हैं नियर फ्यूचर में। आपकी विश पूरी होगी, द स्टार का कार्ड है यहाँ पे। पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करिए, आपको पावर में रहने की ज़रूरत है, आपकी सिचुएशन में बैलेंस आएगी। देखते हैं लियो के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। नॉट द राइट टाइम, थोड़ा वक्त लग सकता है आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने में। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। अगर आप या आपके हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं थर्ड पार्टी की वजह से तो बीच का रास्ता निकल सकता है, पीसफुल रिजोल्यूशन, सक्सेस आपको मिलनी है, बिग हैप्पी चेंजेस आना है आपके लाइफ में बहुत जल्द। सो पॉजिटिव रहिए और अपने लाइफ में फोकस करते रहिए। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच लियो, बाय बाय। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि सेजिटेरियस। सॉरी गाइज मैं एडिट नहीं करती हूँ। सेजिटेरियस प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। धनु राशि एक शफल और। तीन कार्ड्स लूँगी मैं, वन टू थ्री। बॉटम से है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड द सन। ओके सेजिटेरियस आपके पार्टनर लियो एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं।
यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनकी करंट एनर्जी में शादी को लेकर बात चल रही है, या तो इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, पेरेंट्स इनके ऊपर बर्डन बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन का प्रेशर है इनके ऊपर, किसी तरह का बर्डन है, किसी तरीके का प्रेशर है इनके ऊपर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन फैक्टर हो सकता है, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक्शन ओरिएंटेड हैं आपके पार्टनर, अपनी पावर में आके एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं इस टाइम आपके पार्टनर, लेकिन यहाँ पे जो भी सिचुएशन है आपको खोना नहीं चाहते, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। बहुत जल्द एक बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं। कैंसर एनर्जी है द चैरियट, इस बर्डन से निकलना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं आपको। ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या आता है हमारे कैंसर सेजिटेरियस राशि के लिए। मेजर अरकाना से क्या आता है हमारे सेजिटेरियस राशि के लिए। 1, 2 बॉटम से है द लवर्स, रीयूनियन बहुत करीब है आप लोगों के। डेफिनेटली अपनी आपके पार्टनर इस टाइम स्टक हैं किसी सिचुएशन में, डेफिनेटली हैंग्ड हैं, और अपनी पावर में आके इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, और ये आपका नियर फ्यूचर है। इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर, आपके साथ रीयूनियन करेंगे, और बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकती है। ज़्यादातर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। अबंडेंस आने वाली है, द सन का कार्ड आया था हमारे पास। ट्रस्ट करना है आपको, सक्सेस आपको मिलेगी, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी। हमारे पास सन का कार्ड आया था जो कि अबंडेंस को दिखाता है, और यहाँ से एंजल्स ने भी कह दिया। सो सेजिटेरियस राशि वालों, आपके पार्टनर आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, होप फॉर द बेस्ट। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सेजिटेरियस, बाय बाय। हेलो कैंसर, अब मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं करंट एनर्जी, जिनकी भी राशि कैंसर है प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कैंसर, 3 कार्ड्स लूँगी मैं, 1, 2, 3 ओके। बॉटम से हमारे पास है 7 of Wands, 2 of Cups, 4 of Swords एंड किंग ऑफ कप्स। कैंसर हो सकता है आपके पार्टनर भी सन मून राइजिंग में कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो, या फिर एरीज लियो सेजिटेरियस, या एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पार्टनर के, आपसे बातचीत नहीं हो रही है लेकिन स्टैंड लेना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपसे दूरियां हैं, डिस्टेंस है, स्टैंड लेना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। सोल कनेक्शन है आप दोनों का, म्यूचुअल लव है। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, आपके पार्टनर अक्सर आपके लाइफ में आ जाते हैं, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स के बाद गए हों, कितने भी झगड़े के बाद ये वापस ज़रूर आ जाते हैं। मदर इशूज़ हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई और पर्सन हो सकता है। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो, डिवोर्सी हो, विडो हो, या इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 2 क्वींस हैं, इसका मतलब या तो इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर के लाइफ में, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और पर्सन है, या तो माँ है, या तो सिस्टर है, या तो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। सोल जर्नी है यहाँ पे, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से आप दोनों में बातचीत नहीं हो पा रही है। इमोशंस इनके बहुत हाई हैं आपको लेकर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आना चाहते हैं आपके लिए, स्टैंड लेना चाहते हैं। ये करंट सिचुएशन है। देखते हैं मेजर अरकाना से इन द नियर फ्यूचर क्या हो सकता है कैंसर राशि, इन द नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा।
यहाँ पे एंडिंग हो सकती है। आपके पार्टनर अगर किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो यहाँ पे एंड कर सकते हैं उस कार्मिक सिचुएशन को, चाहे वो कार्मिक सिचुएशन फैमिली हो या कोई भी हो या थर्ड पार्टी हो। यहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। हो सकता है किसी तरह का कोर्ट मैटर चल रहा हो, इनके लाइफ में ऑलरेडी डिवोर्स अप्लाइड हो या किसी तरह की ऐसी सिचुएशन हो। डेथ का कार्ड है, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है पावरफुल इंसान हो, पब्लिक फिगर हो, इमेज हो इनका समाज में, सोसाइटी में, लेकिन इन्होंने अपने लाइफ में आपको हर्ट किया है। अब खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं आपके लिए। आपकी विश पूरी होगी इन द नियर फ्यूचर। कैंसर, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। रिकवरी, आपकी जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। सक्सेस का कार्ड है, आपको ट्रस्ट करना है, सक्सेस मिलने वाली है आपको। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करिए। सो ये थी कैंसर के लिए रीडिंग, करंट सिचुएशन। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय कैंसर। अब हम बढ़ते हैं अगली राशि। स्कॉर्पियो, जिनकी भी राशि स्कॉर्पियो है स्कॉर्पियो प्लीज गाइड करें एंजल्स। स्कॉर्पियो 1, 2, 3 बॉटम से हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, टावर। डेफिनेटली आप दोनों में झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर, ब्रेकअप चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जबकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो सकते हैं, कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ। इमोशंस बहुत हाई हैं इनके, कोई बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं। किसी तरह का टावर मोमेंट आने वाला है, करंट एनर्जी में आया है। किसी तरह का ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, जिसके लिए हो सकता है इनको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े और ये लेने जा रहे हैं ये बड़ा डिसीजन। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, हो सकता है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है, लेकिन आप ये सिचुएशन एंड कर सकते हैं। ये डिसीजन बहुत जल्द होने वाला है। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या मेजर हो सकता है आपकी तरफ स्कॉर्पियो। द मून, द हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में आपकी इंट्यूशन का बहुत रोल है, अपने इंट्यूशन की सुनना है आपको। अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, आगे बढ़ते रहना है। आपके रिलेशनशिप में ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर के लाइफ में या आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स का है या उनके पेरेंट्स का है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, डेफिनेटली कार्मिक कनेक्शन चल रहा है आप दोनों के लाइफ में। यहाँ पे इस कार्मिक कनेक्शन को एंड करना है। हो सकता है कि पास्ट में कुछ लोगों के पार्टनर ने चीट किया हो, हर्ट किया हो, बातें छुपाई हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में ये टफ साइकिल जो भी चल रही है आपकी, ये एंड होगी और आपकी तरफ रीयूनियन के लिए बढ़ेंगे आपके पार्टनर। आपके साथ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं स्कॉर्पियो। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे। अभी आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, अभी आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द आपके लिए स्टेप लेंगे। ये आपका नियर फ्यूचर है। देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इट्स अप टू यू, आस्क योर एंजल्स, नो नीड टू वरी। आपके लिए कार्ड आया है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। आपके ऊपर है कि आपको पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी परेशानी हो, आप एंजल्स को बोलिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट मत करिए। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, आपने सब झेल लिया है, आगे आपके लाइफ में सब कुछ बेहतरीन होने वाला है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है आपके लिए।
सो ये है स्कॉर्पियो की रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो, बाय बाय। अब हम बढ़ते हैं अगली राशि पाइसिस। अगर आपकी राशि पाइसिस है तो देखते हैं क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में। करंट एनर्जी, ओके, 1, 2, 3। पाइसिस मीन राशि, बॉटम से मैं 3 कार्ड्स लूंगी। आपके पार्टनर या आप खुद, अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आपके पार्टनर पाइसिस हैं। आप लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस में से हो सकता है आपका सन साइन या मून साइन। यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट है, लड़ाई, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है उसके साथ, एंड करना चाहते हैं। यहाँ पे ये दो में से एक सिचुएशन एंड करना चाहते हैं, अपनी पावर में आके एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या डिवोर्सी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो मैरिड हो, आप सिंगल हो, या आप मैरिड हो, वो सिंगल हो, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। छोटे छोटे जेस्चर आपकी तरफ अक्सर कर देते हैं आके, आपको भी मूव ऑन नहीं करने दे रहे हैं, आपको भी लटका के रखा हुआ है और ख़ुद भी कहीं पर अटके हुए हैं। लेकिन यहाँ जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये बहुत जल्द एंड होगी। डेथ का कार्ड आ गया हमारे पास, अपनी पावर में है इस टाइम, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसे एंड करना चाहते हैं आपके पार्टनर्स। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। देखते हैं मेजर अरकाना से। वन, टू, द हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक, द एम्प्रेस विद द मजिशियन। डेफिनेटली लक आपके साथ है, आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है इन द नियर फ्यूचर। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी इनके लाइफ में मैनिपुलेट कर रहा है, यहाँ से आपके पार्टनर केयरफ्री होकर बाहर निकलने वाले हैं। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करके आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये आपका नियर फ्यूचर है पाइसिस। डेफिनेटली आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपने लाइफ में। अभी अपने करंट सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, चाहे जिसके भी साथ हैं, चाहे मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, या कास्ट इशू है, या रिलीजन फैक्टर है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पीछे छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये इनका नियर फ्यूचर है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइसिस के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। लेट गो नेगेटिविटीज़ को, लेट गो करिए। नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं आया है, लेकिन आप बिल्कुल रेडी हैं। फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में जो भी आने वाला है वो बहुत बेहतरीन आने वाला है। बिल्कुल भी नेगेटिविटी को जगह मत दीजिए अपने लाइफ में। आपकी इंट्यूशन की सुनिए और अपने ऊपर फोकस करिए। आपके लाइफ में आपके पार्टनर बहुत जल्द आने वाले हैं आपके साथ रीयूनियन करने के लिए। आपको यहाँ पे वेट करना है कुछ टाइम, अभी सही समय नहीं आया है। कॉल मैसेज आ सकता है लेकिन रीयूनियन में थोड़ा वक्त लग सकता है। आप पूरी तरह से रेडी हैं यहाँ पे, आप इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर का। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, अगर पास्ट में उनसे या आपसे कोई मिस्टेक हुई हो, एक दूसरे को माफ़ करिए और अपने लाइफ में नेगेटिविटी को लेट गो करिए। जो भी पास्ट में नेगेटिविटी है उसे लेट गो करना है। सो ये है पाइसिस के लिए रीडिंग।
अगर आपकी सिचुएशन इस रीडिंग से रेजोनेट हुई हो, ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय पाइसेस। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट राशि अर्थ साइन टॉरस, देखते हैं लव लाइफ टॉरस में क्या हो रहा है। जिनकी भी राशि वृषभ है, टॉरस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टॉरस, वन टू थ्री, बॉटम से थ्री कार्ड्स लूँगी मैं। एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं बहुत जल्द, आपके पार्टनर स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपके पार्टनर टॉरस। हो सकता है कि आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो या कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो। लियो हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जिनकी भी राशि टॉरस है, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट मिलने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से, एक स्टेबल कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। हो सकता है आपने से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हों किसी और के साथ, या इनके लाइफ में इनकी मदर बहुत कंट्रोलिंग हो, या अगर मैरिड हैं तो वाइफ या हस्बैंड बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, स्लीपलेस नाइट है इनकी। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, 24 घंटे सोचते हैं कि आपके साथ कैसे कंप्लीशन हो, कैसे इनकी विश पूरी हो जाए। पावर में हैं इस टाइम, स्ट्रेंथ में हैं, और साथ ही साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनके दिल दिमाग में बस एक ही बात है कि कैसे मैं आपको कमिटमेंट दूँ। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। आपने हमेशा इनका साथ दिया है, हर कंडीशन में आपने इनका साथ दिया है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, एडमायर करते हैं आपको। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो ये भी हर्ट हैं, पछतावा है इन्हें, गिल्ट है इनके मन में। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या आता है टॉरस के लिए नियर फ्यूचर, आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर क्या आने वाला है। पहला कार्ड आ गया हमारे पास चैरियट, और एक कार्ड और लेंगे हम। आपकी तरफ बड़ा डिसीजन हो सकता है, आपके पार्टनर सेजिटेरियस या कैंसर हो सकते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर, जिससे कि सिचुएशन में बैलेंस आएगी। जिनकी भी राशि टॉरस है, आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, या आप अगर पार्टनर की तरफ से देख रहे हैं तो आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। रोल्स रिवर्स करके देखिए, यहाँ पे बैलेंस होने वाली है सिचुएशन, रिकवरी होने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप में। बहुत ही जल्द ये डिसीजन लेने वाले हैं, ये टफ साइकिल एंड होने वाली है, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं टॉरस के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस टॉरस, बिग हैप्पी चेंजेस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग योर वे, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी सिचुएशन अभी एट प्रेजेंट है वो इम्प्रूव होने वाली है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। सो ये थी टॉरस के लिए रीडिंग, करंट सिचुएशन। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच टॉरस, बाय बाय। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि वर्गो। अगर आपकी राशि वर्गो है, करंट एनर्जी, लास्ट शफल, ओके,
तीन कार्ड्स लूँगी मैं, 1, 2, 3। बॉटम से 3 कार्ड्स, जस्टिस देना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपसे कॉल मैसेज पे बात करना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, लीगल इशू है कुछ यहाँ पे, आपको विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं। अगर वर्गो राशि है तो यहाँ पे आपके पार्टनर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके पार्टनर्स पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो रही है, या फिर किसी तरह का कोर्ट में इशू चल रहा है इनका जिसकी वजह से परेशान है। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, वर्कोलिक हो सकते हैं, काम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, बिजनेस का प्रेशर, जो भी है इस समय आपसे मूव ऑन किया हुआ है, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इनका मन नहीं लग रहा है और ये बहुत जल्द आपसे बातचीत करने वाले हैं। सो वर्गो राशि, अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, आपको मैसेज कॉल आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से बहुत जल्द। जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ आपको जस्टिस मिलने वाला है। जगल कर रहे थे दो सिचुएशन में, इनमें से किसी एक सिचुएशन को ये बहुत जल्द चूज़ करने वाले हैं। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या आता है वर्गों के लिए। वर्गों से आया है द एम्प्रेस और द लवर्स। आपके लिए दो कार्ड्स दिए हैं, एम्प्रेस एंड द लवर्स। आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चाहे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो वहाँ से निकलकर आपके पास आएंगे। रीयूनियन होगा इन द नियर फ्यूचर, ये नियर फ्यूचर है। नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है। सन रिप्रेजेंट आपकी लाइफ में जो भी डार्कनेस है वो रिमूव होने वाली है, रीयूनियन होने वाला है। डेफिनेटली एक पॉजिटिव शुरुआत आपकी तरफ होने वाली है, मैसेज आने वाला है, कॉल आने वाला है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए वर्गो। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं वर्गो के लिए। यू आर रेडी, आप बिल्कुल रेडी हो। यहाँ पर आपको ट्रस्ट करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है अपने लाइफ में, आपको किसी भी सिचुएशन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल रेडी हैं। ट्रस्ट करिए, मैनिफेस्ट रहिए, करिए, पॉजिटिव रहिए, चिंता मत करिए। बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हैं किसी सिचुएशन में, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, अपने लाइफ पे फोकस करिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करिए। ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा नेगेटिविटी को क्रिएट करेंगे, तो कम सोचिए, चिल करिए, थोड़ा अपने ऊपर फोकस करिए। खाली टाइम में जब आपके पास समय हो मेडिटेट करिए, मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करिए। आप बिल्कुल रेडी हैं और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ कॉल मैसेज करने वाले हैं। होप फॉर द बेस्ट, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए वर्गो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से, करंट सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हो और आने वाले टाइम में रेजोनेट हो नियर फ्यूचर में, तो डेफिनेटली मुझे याद करिएगा, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वर्गो, बाय बाय। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट राशि कैप्रिकॉर्न, देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या आता है, लव रिलेशन में क्या चल रहा है। कैप्रिकॉर्न एंजल्स, 1, 2, 3, 4। बॉटम से आया हमारे पास 10 of cups। वाह, क्या बात है कैप्रिकॉर्न,
कंप्लीशन, आपके लाइफ में कंप्लीशन है, एक हैप्पी फैमिली, आपके लव रिलेशन में आप जिनके भी साथ शादी करना चाहते हैं वो भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड कंप्लीशन चाहते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर। हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, हो सकता है आपको इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, अभी आइसोलेशन में हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, काफ़ी हद तक इन्होंने अपने डेविल एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश की है। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा एडिक्शन था, गुस्सा करते थे, शक करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, हर्ट करते थे, बातें छुपाते थे, हाइड करते थे, तो इनके अंदर काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अब इनको अपने लाइफ में फोकस करना है, ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, अबंडेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। सो ये आपकी तरफ है। आप दोनों में कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से आपको हर्ट किए हैं। जो भी थर्ड पार्टी हो, चाहे इनकी फैमिली हो या फिर इनके लाइफ में कोई और पर्सन हो, या ये खुद एडिक्टिव हो, किसी चीज़ को लेकर एडिक्शन हो इन्हें, लेकिन अभी आपको हर्ट नहीं करेंगे, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं कैप्रिकॉन। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आपके रिलेशनशिप में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखते हैं मेजर अरकाना से क्या आता है हमारे कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए। ओके, वन, टू। सेजिटेरियस एनर्जी है, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, स्ट्रेंथ में आके टावर मोमेंट लाने वाले हैं यहाँ पे। जिस भी सिचुएशन में हर्ट थे, जिस भी सिचुएशन में ये फंसे हुए थे, स्टक थे, या किसी तरह का कर्मा इन्हें मिला है, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको चीट किया है, आपको छोड़कर गए हैं, तो इनका कर्मा, इनका कर्मा क्लेंस हो रहा है यहाँ पे। आपके सिचुएशन में बैलेंस आने वाली है और बहुत जल्द ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली अपनी पावर में है इस टाइम। कार्मिक सिचुएशन अगर कुछ थी, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, थ्री ऑफ सोर्ड्स आया था, तो ये वहाँ पे एंड कर सकते हैं सिचुएशन, और डिसीजन बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द इनके लाइफ में एक मेजर डिसीजन ये लेने वाले हैं। जो भी डिसीजन लेंगे उससे आपके रिलेशनशिप में रिकवरी होगी, बैलेंस आएगी सिचुएशन में। सो ये आपका नियर फ्यूचर है। देखते हैं कैप्रिकॉन के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फॉरगिवनेस, इन्होंने पास्ट में अगर आपको तकलीफ दी है, इन्हें माफ़ कर दीजिए। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए, सक्सेस आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी। आपको सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में। और बी असर्टिव का कार्ड आया है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। सो ये थी कैप्रिकॉन के लिए रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन इस रीडिंग से रेजोनेट हुई हो, ज़रूर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉन, बाय बाय।